राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार संशोधित GRAP जारी करने जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि संशोधित GRAP लागू होने के बाद दिल्ली में बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। 25 अक्टूबर से ये नया नियम लागू कर दिया जाएगा। मानसून की विदाई और सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का खतरा मंडराने लगा है। पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार एक्टिव मोड पर है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार संशोधित GRAP जारी करने जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी है। गोपाल राय ने कहा कि संशोधित GRAP लागू होने के बाद दिल्ली में बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर से दिल्ली में ये नया नियम लागू कर दिया जाएगा। गोपाल राय ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि इस योजना के लिए एक हफ्ते के अंदर सभी विभाग प्लान सौंप देंगे। इसके बाद दिल्ली सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और 25 अक्टूबर से बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।